ऑल राइट right. आपसे सवाल में कहता है हमारे मोन कि आप एक एक बंदा पढ़ते जाए, शाहरुख पढ़ना स्टार्ट करो. आपको मैप दिया हुआ है, आपको पेरिनियल कैनाल्स भी दिखाए हुए. पेरिनियल कैनाल्स आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. आपको उनका क्या बताना है, ये कैसे पता चलेगा कैनाल कौन सा है, आप की पे नोट करें. देखिए ये जो ऐसे स्टिक्स वाली की बनी हुई है ना, वो की में देखें आखिरी वाला जो है कैनाल है वो. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? मजला. अब आपको इनका डिस्क्राइब करना है डिस्ट्रीब्यूशन. सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं यारों का आपसे, सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, सवाल ये नहीं पूछना चाह रहा. सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कैनाल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैनाल्स कौन कौन सी जगहों पर है. देखिए अपने पास पेरिनियल कैनाल्स आर, पेरिनियल कैनाल्स आर मेनली, पेरिनियल कैनाल्स आर मेनली लोकेटेड ऑन द इंडस प्लेन्स, मेनली लोकेटेड ऑन द इंडस प्लेन्स. फुल स्टॉप. इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, फुल स्टॉप के बाद इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इन द प्रोविंस ऑफ सिंध दे आर, कॉमा मारना, दे आर मेनली, दे आर मेनली टेकन फ्रॉम, सिंध के अंदर मुझे बताएं कहाँ से लिए जा रहे हैं, मेनली टेकन फ्रॉम विच रिवर? एब्सोल्युटली देखिए अपने पास, दे आर मेनली टेकन फ्रॉम रिवर इंडस, दे आर मेनली टेकन फ्रॉम इंडस रिवर या रिवर इंडस. डज दैट मेक सेंस? अब मुझे बताएं ये सिंध और पंजाब के अलावा आपको कहाँ, केपीके की तरफ एक दो दिख रहे हैं, इक्का दुक्का? ठीक है, लिखिए अपने पास फुल स्टॉप के बाद. सम आर ऑल्सो लोकेटेड इन द रीजन ऑफ केपीके, इन द रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, दैट इज केपीके. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? क्या आपको वेस्ट की तरफ कोई दिख रहे हैं कैनाल्स? नहीं दिख रहे, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं. कितने मार्क्स का है ये मेरे पास? हाँ, 14 पॉइंट लिख दे. फुल स्टॉप के बाद देर आर नो कैनाल्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स दी वेस्ट, ब्रैकेट में इन नियर, हाँ ये बल्कि नियर नहीं, इन बलूचिस्तान, इन बलोचिस्तान. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? भाई जब भी सवाल आपको मैप दिखाए और उसके बाद बोले डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आपको अपनी आंखों से बस देखना है कि वो कहाँ का है और मैप को डिस्क्राइब करना है. सिंध के पास है, पंजाब में, इंडस प्लेन पे है, वेस्ट बलोचिस्तान वाली साइड से कोई भी नहीं है, केपीके में एक दो है. समझ गए बात? ये करना था. आगे चले. मेन थ्री टाइप्स ऑफ इरिगेशन अदर देन पेरिनियल कैनाल्स यूज इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ईच टाइप वर्क्स. ये बहुत पुराना सवाल है, 2013 का सवाल है, ये उस वक्त का सवाल है जब पेपर लीक हो गया था सीआई का. 2013 में पेपर सीआई का लीक हो गया था, आउट 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 हो गया था, और उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा वाला लिया था. अब ऐसा 6 मार्क का सवाल क्लियर कर दूं, पहले ही ये बात है. अब ये वाले ऐसे 6 मार्क का सवाल नहीं आते. ठीक है, अब ऐसे वाले, अब 6 मार्क वाले कौन से होते हैं, जो क्यू वाले होते हैं या टू व्हाट एक्सटेंट वाले, इस बात को ख्याल में रखें. मेथड्स आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, नाम कोई से भी आप उठा के लिख सकते हो, टैंकर्स, स्प्रिंकलर्स, शदू जिसको आप शेडर कहते हैं इंग्लिश में, और चार्सा है, कारेज है, अपना इनंडेशन कैनाल्स है. डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? पहला लिखो अपने पास इनंडेशन कैनाल्स, इनंडेशन
canals. काम कैसे करते हैं? They are taken from कहाँ से लिए जाते हैं भाई? Rivers. They are taken from rivers and only work when the river is flooded. And only work when the river is flooded. और perennial canals कहाँ से लिए जाते हैं? Dams and barrages. Yes. अगला weather लिखो अपने पास. Tankers. बेटा they are taken from rivers and only work when the rivers are flooded. When the river is flooded or when the rivers are flooded. ठीक है, अगला tankers. Tankers लिखे अपने पास. They collect water. ये सिर्फ revision के लिए लिखवा रहा हूँ. They collect water from nearby lakes and rivers. They collect water from nearby lakes and rivers. Full stop. They supply water door to door. और ये बाइक चलाने वालों की तो बजा देते हैं, तो बड़े बड़े लेके अपनी टैंकर जा रहे होते हैं, बाइक वाले की बिल्कुल ही फायर करते हैं. Does that make sense? चलो एक और लिख लो अपने पास. ट्यूबवेल्स बिल्कुल लिख सकते थे, कुछ वो भी पर लिख सकते थे. ठीक है, देखो अपने पास. दे वर्क थ्रू अ डीजल ऑपरेटेड पंप. दे वर्क थ्रू अ डीजल ऑपरेटेड पंप which sucks water from underground. और कहां से बेटा चूसेगा, सक करेगा. From underground, suck means खींचना. ठीक है, which sucks water from underground and keeps water table low. And keeps water table low. ठीक है, does that make sense? पुलिस स्टॉप कर दें, आगे आ जाए. We will answer this question. Explain how a perennial supply of water can damage farmland. एक्सेलेंट. पेरिनियल में होता क्या है, लगातार पानी का फ्लो आता रहता है. ठीक है, तो उससे होगा क्या, फील्ड पे बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, आपको वाटर टेबल हाई हो जाएगा. लिखना स्टार्ट करो अपने पास. देर इज अ कॉन्स्टेंट वाटर फ्लो which results in excessive water on the field and might result in rise in the water table and might result in rise in the water table. Bracket में water logging. Bracket में लिख दीजिएगा water logging. Does that make sense? Full stop. Absolutely. Full stop के बाद लिखें further. Full stop के बाद लिखें further, comma it results in salinity. It results in salinity. और salinity हो जाती है तो आपकी land की मतलब वो fertility खराब हो. It results in salinity which disturbs the
fertility of the deserts, the fertility of the land, comma. वैसे जरूरत नहीं है मार्क्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन resulting in loss of land for agriculture resulting in loss of land for agriculture. ठीक है, does that make sense? Are we clear on this? Sure. सवाल को गौर से पढ़े, सवाल क्या बोलता है? स्टडी फिगर 3 विच शोज द मेन यूजर्स ऑफ वाटर इन द पंजाब. पंजाब के अंदर पानी कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, होम्स, फैक्ट्रीज वगैरह. डज दैट मेक सेंस? आपको क्या करना है, नेम टू कॉन्फ्लिक्टिंग यूजर्स ऑफ वाटर सप्लाई. आपको ऐसे दो बंदों के नाम बताने हैं जो के आपस में जिनका कॉन्फ्लिक्ट हो, आपस में जिनका कॉन्फ्लिक्ट हो. हाँ नहीं, लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो. घर वाला क्या चाहेगा, हमारे पास वाटर है. इंडस्ट्री वाला क्या चाहेगा, हमारे पास वाटर है. डज दैट मेक सेंस? यूजर्स का मतलब आप इस्तेमाल करने वाले, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर. हाँ लोग हैं. इंडस्ट्री भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बोलेगा आपको कि मेरी इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा पानी मुझे चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट बनाऊं. एक फार्मर क्या बोलेगा, ज्यादा पानी मुझे चाहिए ताकि मेरी इनकम बढ़े, मैं पैसा कमाऊं. और घर वाला क्या बोलेगा, घर वाला बोलेगा हमें अपनी जरूरत के लिए पानी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट है ना. कौन जी क्या, हाँ लिख दो इंडस्ट्री. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इंडस्ट्रीज और फार्मर्स. सॉरी नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो है ना बेटा, लिख लेंगे. ये दो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग घर के लिए. ठीक है, हाँ आंसर है इसका मौजूद है नोट्स में, आप देखें.